लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ खत्म करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में मंगलवार को एनआईसी कक्ष में पोलिंग कर्मियों का पहला चरण का रेंडमाइजेशन किया गया। सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया में शामिल 3,644 कर्मियों में से 3,439 कर्मियों का चयन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश किया कि रेंडमाइजेशन से चयनित पोलिंग कर्मियों को शीघ्र निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए जनपद की तीनों विधानसभा में कुल 592 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा में 210, कर्णप्रयाग विधानसभा में 179 और थराली विधानसभा में 203 मतदेय स्थान शामिल है। इन सभी मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग कर्मियों का पहले चरण का रेंडमाइजेशन से चयन किया गया है। पोलिंग कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। इस दौरान नोडल अधिकारी कार्मिक अभिनव शाह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश, परियोजना निर्देशक आनंद सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पांडे और हेमंत मौर्य, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी DC सहित आदि उपस्थित रहे। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट।